आज भिवंडी के पटेल कंपाउंड में स्थानिक नगर सेवक सुमित पाटिल और उनके सहयोगी पार्टी दल के लोग जैसे कि शिवसेना, RPI, श्रमजीवनी संगठन की जो महायुति है, उन सभी लोगों ने आज डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात की। हम आपको बता दें कि मतदाताओं से विशेष तौर पर मुलाकात के दरमियान विकास के दृष्टिकोण से नगर सेवक सुमित पाटिल ने सभी से बातचीत की और कहा कि हमारी सरकार दोबारा आती है तो शहर के विकास के कार्य में जो बचा कुचा काम बचा है उसे भी पूर्ण करेंगे। आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं स्थानिक नगर सेवक सुमित पाटिल। भिवंडी लोकसभा के सांसद के उम्मीदवार के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कपिल पाटिल, उनके भतीजे हैं सुमित पाटिल, वो आज डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात करने के दरमियान हमारे चैनल के संवाददाता से बातचीत की। विकास के दृष्टिकोण से उन्होंने क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ पर RPI के भिवंडी सर जिलाध्यक्ष महेंद्र गायकवाड़, शिवसेना के वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय काबूकर और स्थानिक नगर सेवक सुश्रुता वहाँ पर सुमित पाटिल भी उपस्थित थे या वार्ड की जनता भी उनके साथ में दिखाई दी, डोर टू डोर यह प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस विशेष रिपोर्ट। BJP, शिवसेना, RPI और श्रमिक संगठना और हमारे जो कुनबी सेना के ईश्वर पाटिल है वो सब मिलकर हमने गठबंधन किया है यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में। हम तो जीत चुके हैं, बस खाली लोग वो कांग्रेस वाले और बाकी ये वंचित आघाड़ी के लोग है वो बड़ी बड़ी सवाल लेके समझते हैं कि लोग को बोलो कि हम चुनाव लड़े, लेकिन हम ये नगर शोक के भी अभी हम लोग नगर शोक चुनाव समझ के हम दौड़ घूम रहे क्योंकि हमारे मतदाता जो है वो ईमानदार है। लोग बोलते हैं कि मुस्लिम हमारे साथ में नहीं है, हम लोग जब चुन के चारों आए तब भी हमारे साथ मुस्लिम थे, आज मुस्लिम पूरे भिवंडी के हैं और हम तो जीत चुके हैं, बस खाली लोग को दिखाना चाहते हैं। हम ये डोर डोर जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि हम जीत चुके हैं, थोड़ा बच्चा है आप सपोर्ट करो, यही हिसाब से हम घूम रहे घर घर। और आने वाले दिन में कल तो मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने जो ऐलान किया है सबके लिए सबका साथ सबका विकास, वो विकास तो हो रहा है, तुम देख रहे हो सामने ही। क्या कहेंगे डोर टू डोर आप कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI और श्रमजीवी संगठना कुनबी सेना, इनके गठबंधन के प्रचार के उम्मीदवार आदरणीय खासदार कपिल पाटिल जी के चुनाव प्रचार में आज यहाँ पे हम लोग महेंद्र जी गायकवाड़ RPI से, हमारे संजय शिवसेना से और हमारे KK भाई, ये गठबंधन नाम का गठबंधन नहीं, हम दिलों से जुड़ के काम करने का आगे फैसला किया है और आज भी कर रहे हैं। आने वाले 85 वोट पटेल कंपाउंड में पोलिंग हुआ था उसमें से 1135 वोट हमको मिला था, यही प्यार आज यहाँ के लोग, यहाँ के जो जनता है हमारे काम से संतुष्ट है, हमारे खासदार के काम से संतुष्ट है और मुझे लगता नहीं कि इन लोगों का विश्वास जितने में हम कामयाब है ऐसा आज यहाँ पर लग रहा है। सभी पार्टी के लोग और सभी यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता आज हमसे जुड़े हैं, सभी संस्थाएं जुड़े हैं और मुझे लगता है क्या आज के टाइम अभी दो दिन बचे, दो दिन में एक अच्छा माहौल तैयार पूरे भिवंडी में हो रहा है। कई दिन से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग अच्छा हमें रिस्पॉन्स दे रहे, जो काम किया हमारे खासदार साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसका किधर ना किधर तो फल हमें मिलेगा ऐसा हमें लग रहा है। और कल जो मुख्यमंत्री जी आए थे टोरेंट का विषय उन्होंने बोला है कि आने वाले समय में टोरेंट जो जागती कर रही है लोगों के ऊपर, जो बिल लाद रही है और जागती कर रही है, केसेस कर रही है जानबूझ के, उसके लिए आदरणीय हमारे खासदार, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय आमदार साहब दोनों, वो भी मिल के टोरेंट के साथ संघर्ष करने का उन्होंने ऐलान किया है और आने वाले समय में लोगों को मूलभूत सुख सुविधा देने का काम हम ही करेंगे। यहाँ पर सत्ता कांग्रेस की है, यहाँ पर मेयर कांग्रेस का है, फिर भी हम लोग जो लोगों को सुख सुविधा देने का काम भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, RPI और हमारा जो गठबंधन है वही पार्टी करेगी, ऐसे लोगों में हमें यहाँ पे विश्वास दिखाई दे रहा है। और आने वाले 29 तारीख को भारी तादाद में पटेल कंपाउंड से हमें वोट मिलेगा ऐसे मुझे अपेक्षा है और आशा है। देखो कल जैसे मुख्यमंत्री महोदय आज भिवंडी में आए थे, पद्मानगर के या भिवंडी लोगों के जो समस्या थी मेन टोरेंट की,
तो टोरेंट के मुद्दे पे मुख्यमंत्री मोदी ने अच्छी तरह से उनको आश्वासन दिया है और वो आश्वासन लेके आज हम लोग गली गली में प्रचार के लिए घूम रहे हैं। तो वहाँ पे लोगों का अच्छी तरह से हमको रिस्पांस मिल रहा है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे जो काम होएगा वो सिर्फ बीजेपी शिवसेना के जो युति के उम्मीदवार है आरपीआई के उम्मीदवार हमारे साथ पे जो अभी जुड़े हैं सब इन्हीं के अपना जो उम्मीदवार आएगा उन्हीं को वोट मिलेंगे और वो भारी मतों से वो चुन के आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज टीवी न्यूज़। धन्यवाद।